मेरे लिए खुशी की बात, जिस तरह बूम बूम बुमराह ने बॉलिंग करी, सिराज ने दो आउट करे लबोश। इंडिया का क्या है जय, उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई तो बॉलर ने भरपूर जवाब दिया और ऐसा दिया कि ऑस्ट्रेलिया से अच्छी बॉलिंग कर दी है। तो कि मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कमबैक कर लिया है, कमबैक कर गए हैं, अब ये कॉर्नर्ड हो चुके हैं, ये अब आपको नोच के खाएंगे, आपको मार देंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी तकरीबन 67 पे, मेरे ख्याल में उनके भी 7 आउट हो चुके हैं और बुमराह ने क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग की। फिर उसके बाद जो राणा साहब आए हैं एक नए, उनके जो जिस तरह बॉलिंग करके अभी 7 आउट है और जिस स्टेज पे इंडिया को लिया है, लग रहा था कि ये अब कॉर्नर टाइगर्स की तरह ये पड़ जाएंगे और मुझे लग रहा था कि ये मार देंगे ऑस्ट्रेलिया को और वही काम हुआ और उन्हें मार दिया। मैं पहले ही कह रहा था इस बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मेन अगर इनके साथ शामी हो तो कहानी और डिफरेंट हो, मगर अब कहीं पर भी शामी की कमी फील होने नहीं दी वैसे टीम इंडिया ने। शानदार अंदाज में जसप्रीत बुमराह ने और सिराज ने आउट किए हैं, उससे महसूस हुआ कि बॉलिंग को खासी सपोर्ट मिल रही है। जो बॉलर ड्राइव खिलाएगा आउट कर लेगा। आप ये देखेंगे उन्होंने पीछे आउट करे और इंडियन बॉलर ने डंडे मतलब बोल्ड और LBW ज्यादा करे। जो कैच छोटा अपना विराट से लबोशिंग का, उसने 52 बॉलों में 2 रन करे, कितने 52 बॉल्स में 2 रन। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि इंडियन बॉलर ने किस तरह बेबस करा था। आ जाता हूं जी, पहले तो अपने इंडियन उस पर नीतीश रेड्डी का जी बहुत जबरदस्त डेब्यू हुआ, विराट ने उसको कैप दी, बहुत अच्छा लगा। और आने वाले उसने पहले ही मैच में साइन बता दिया कि आने वाले दिनों का बादशाह है। और ऋषभ पंत, राहुल और नीतीश रेड्डी की टॉप क्लास बैटिंग, ये टॉप क्लास इसलिए नहीं कह रहा कि 37 करे पंत ने, 41 करे रेड्डी ने और 26 करे राहुल ने, कंडीशन के लिहाज से टॉप क्लास लड़े। जो जिस तरह बॉलिंग करके अभी 7 आउट हैं और जिस स्टेज पे इंडिया को लिया है, यहां से अगर इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीते, बेहतरीन चांस है बैकफुट पे करने का ऑस्ट्रेलिया को। पहले ही मैच में ऑप्टस में अभी तक हारा नहीं है टेस्ट मैच। कल मैंने आपको कहा था, आपने वाकई की बातें जवाब दे रहे थे, ऑप्टस में नहीं आ रहा। नजर आया इस पिच के ऊपर कि भाई इस पिच पे खेलना तो बहुत मुश्किल काम है। 150 रन पे जब टीम आउट हुई तो मुझे कहीं ये लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम भी प्रॉब्लम ना हो जाए उनको, क्योंकि खेलना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। 150 में से 67 रन जो है वो पैट कमिंस ने दिए, और ये 67 रन ऐसे हैं जैसे पैट कमिंस ने 100 रन दे दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो ये तो इसी तरह करते हैं ना, ऊपर से भी आउट करते हैं फिर नीचे टेल अंडर जाता है उनको, बाउंसर्स आगे खिलाना, ड्राइव खिलाने की कोशिश कि जल्दी से जल्दी जो है वो आउट हो जाए। लेकिन वो जो नीतीश ने जो रन्स किए या स्पिनर्स के ऊपर स्पेशली उन्होंने चार्ज करना शुरू किया, फिर पैट कमिंस में भी रन्स बनाए, तो ये जो 78 रन ये दोनों कर गए, ये बड़े क्रूशल इन्होंने जो है वो रन्स किए। अब जो हाल है इसका ऑस्ट्रेलिया की टीम का, वो बहुत बुरा हाल है। अब सबको आइडिया हो गया होगा कि यार, ये आइडिया को भी हो गया होगा कि भाई रन्स तो हमने नहीं किए लेकिन अब हमें फायदा हो गया, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी तकरीबन 67 पे, मेरे ख्याल में उनके भी 7 आउट हो चुके हैं और बुमराह ने क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग की। फिर उसके बाद जो राणा साहब आए हैं एक नए, उनका एटीट्यूड बड़ा अग्रेसिव है। उसके बाद जो है वो लाइन लेंथ के साथ बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। देखें, जब कम रन होते हैं ना तो अगर आप एक चैनल बॉलिंग नहीं करते तो फिर आप पैनिक होते हैं। पैनिक क्यों होते हैं, सोचते हैं कि नहीं और ये तो सिर्फ 150 रन है अब क्या करें, उसमें आप वेवर्ड होने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पे हमने इंडियन बॉलर्स को क्या देखा कि वो पिच को बड़ा जबरदस्त वो यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉल मुंह पे नहीं कर रहे, थोड़ा सा पीछे रखा हुआ लेंथ पे, गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। बॉल सीम बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा सीम हो रहा है बॉल। जितने भी बॉलर देख लें, सिराज को देख लें, बुमराह को देख लें राणा साहब को देख लें, ये बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या हो रही है, एयर में स्विंग नहीं हो रहा बॉल, पिच पे लगने के बाद कट हो रहा है। जब कट होता है बॉल, उस टाइम दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी आ जाए
वो बहुत स्ट्रगल करता, उसको नहीं एक आप खाप समझते रहे हैं अब तक, मगर ये 150 के ऊपर आउट करने के बाद जैसे पलट कर वार टीम इंडिया ने किया है, ये अपने आप में एक खास कमाल है और मुझे लगता है कि अब ये पूरी की पूरी सीरीज बड़ी जानदार होगी। अब सोचिए, मैंने एक दो व्लॉग में पहले भी डिस्कस किया कि जसन गिलेस्पी कह रहे थे कि इंडिया की टीम पहुंची है तो इनको एक अलग किस्म का प्रोटोकॉल मिला है, एक अलग किस्म की एडवर्टीजमेंट मिली है, तो ये इसलिए मिली है, एक तो फाइनेंशियल गेन होता है, दूसरा बराबर की टक्कर भी होती है। अब देखिए मतलब सभी मतलब पाकिस्तानी किसी क्रिकेटर से आप पूछ लेते हैं तो उनको लगता था कि नहीं इंडिया वहां पे कुछ खास नहीं कर पाएगा क्योंकि अब थोड़ा मोराल गिरा हुआ है, ग्राफ गिरा हुआ है, टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, T20 बहुत अच्छा खेले हैं वो साउथ अफ्रीका के अंदर, मगर आप देखिए कि पर्थ के अंदर पहले ही रोज टीम इंडिया 6 वर्षों के बाद खेला है पर्थ में, 6 साल के बाद खेला है पर्थ में और पहले रोज कैसे किया है। अगरचे बैटिंग में लगा था, मैंने बहुत से सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि इतने पे अब चौथा ओवर, पांचवा ओवर, ये ओवर, विराट कोहली ओवर, मैं इंडियन के भी देख रहा था, वो कह रहे थे चेतेश्वर पुजारा की कमी फील हो रही है, वो नए बॉल को पुराना कर देते हैं, ये सब चीजें चल रही थी। बट आप देखिए कि जब बुमराह आए हैं बॉलिंग के ऊपर एकदम डिफरेंट लगे, और आप एक चीज नोट कीजिए, वो चाहे एशिया के बॉलर हैं मतलब इंडिया के बॉलर हैं बुमराह, मगर हर कंडीशन के अंदर एक डिफरेंट टाइप की बॉलिंग करते हैं। मुझे बहुत से लोग नीचे लिखते हैं कि आप शायद बहुत ज्यादा बोल देते हो बुमराह के, बट मुझे लगता है कि मैंने चूंकि इनको जब से ये इंजरी से वापस आए तब से फॉलो कर रहा हूं, ये एशिया कप में आए थे उस वक्त मुझे याद है हम सब कंपेरिजन करते थे बुमराह वर्सेज शहीन, और अब आज मौका ये आ गया कि शायद कोई इसका कंपेरिजन उस तरह से ना करे, क्योंकि जब इंजरी के बाद आए, मुझे वाहिद आप पाकिस्तानी परस्पेक्टिव में देखिए, हमारा जो बॉलर इंजरी के बाद आया है बिल्कुल धीमा आया, पहले से ही बुरा गया, अब जसप्रीत बुमराह इंजरी के बाद आए और पहले से ज्यादा खतरनाक हुए, ये एक बहुत बड़ा कमाल होता है फास्ट बॉलर के लिए। मतलब अगर कोई बैट्समैन खुदा ना खासा इंजर्ड हो जाए वो वापसी आए उसको शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, शायद रिफ्लेक्सेस में थोड़ा 19-20 पड़े बट वो 2-4 मैचेस के बाद सेट हो जाता है, मगर फास्ट बॉलर का आप हमारे हसन अली उठा के देख लीजिए, आप हमारे शाहीन अफरीदी उठा के देख लीजिए, आप हमारे नसीम शाह उठा के देख लीजिए, पेस में भी कमी हुई, लाइन में भी कमी हुई, रिदम में भी कमी हुई, मगर जसप्रीत बुमराह एक लंबे टाइम पीरियड के बाद वापस आए थे, मगर मुझे लगता है कि पूरी तरह से सेट करके उनको भेजते हैं, तो 2023 से लेकर अब 2024 तक की कहानी आप उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया में जहां जहां वो गए हैं रूल किया है, बाकी आईसीसी की रैंकिंग है उसके ऊपर कभी ऊपर जसप्रीत बुमराह भी आते हैं। इंडिया का क्या एज है, उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई तो बॉलर ने भरपूर जवाब दिया और ऐसा दिया कि ऑस्ट्रेलिया से अच्छी बॉलिंग कर दी, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब मुझे लगता है कि वो जो एक होता था ना हमारे जहन में, मतलब आज से भी 5-7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, वहां साउथ अफ्रीका को भी इंडिया हरा किया, एक एक से बराबर सीरीज की है, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना, ये सब खाते खत्म हो गए हैं। जब आपकी टीम अच्छी हो, जैसे रिकी पोंटिंग की टीम होती थी, वो श्रीलंका को श्रीलंका में मारती थी, पाकिस्तान को पाकिस्तान में मारती थी, इंडिया को इंडिया में मारती थी, अगर से वहां पे फंस के मैच होते थे, बट इंडिया से वो भारी थी टीम, रिकी पोंटिंग की टीम। अब सेम टीम इंडिया बन चुकी है, अगर से अपने घर में 3-0 से हारी है, हम सिर्फ एक दिन को लेकर बहुत ज्यादा एग्जेजरेट नहीं कर सकते हैं, मगर हम 3 टेस्ट मैच की हार को लेकर भी बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लंबे टाइम पीरियड से T20 वनडे टेस्ट तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया जबरदस्त खेल रहा है, 2 टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है, वनडे वर्ल्ड कप उसका फाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और जीत है, ये कहानी है। अगरचे मुझे अभी भी लगता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब मेरी नजर में आज भी मैं ये कहता हूं कि इंडिया 4-0 से शायद ऑस्ट्रेलिया को ना हरा पाए इस पहले रोज के भरपूर खेल के बावजूद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की खूबी है वो गिरते हैं तो उठते हैं तो बड़े खौफनाक तरीके से उठते हैं, वो बहुत पलट कर वार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये मैं ऐसे नहीं कि मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्टों में कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया वार करे और ये वो, बट एक रियलिटी है, ये भी रियलिटी है कि 3-0 से जब न्यूजीलैंड से हारा था सब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, मैंने उस वक्त बोला था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराने में अगर किसी में कैपेसिटी अच्छी है तो वो इंडिया की टीम है, मैंने उस वक्त भी बोला था, और मैं सिर्फ एक बंदे पे बैंक कर रहा था, वो था जसप्रीत बुमराह, और उसने आज कर भी दिखाया, और मुझे लगता था कि अगर शामी साथ में हो तो 50-50 का मैच है, बट शामी नहीं भी था तो सिराज ने, खैर सिराज के बारे में मैंने ड्यूरिंग न्यूजीलैंड सीरीज भी बोला था कि ये बंदा अब देखिएगा सीना कंट्री में अच्छी बॉलिंग करेगा, 8 टेस्ट मैचेस में उसके सिर्फ 12 विकेटें हैं, 3 बार 0 हैं, और अब देखिए पहले ही मैच कैसा जबरदस्त खेला है, फिर हर्षित राणा ने भी अच्छा सपोर्ट किया है, पॉइंट इसके 150 के ऊपर भी 60 रन की लीड लेके जाता है, यानी लगभग मेरे कहने का मकसद है कि 90 के अंडर इनकी रिमेनिंग 3 विकेटें लेता है, उसके लिए भी यहाँ 23 रन रिक्वायर्ड है, और जिस तरीके से फैशन से स्कोर बना है ऑस्ट्रेलिया का वो तो एक एक रन के लिए तरस रहे हैं, सो ये पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता कि अगले 20-25 रन पे अगर इंडिया ये मजीद 3 विकेटें निकालता है तो यहां से पूरा कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम ये बन जाएगा कि अभी आप चौथे सेशन में एंटर भी करोगे और आपके पास 60 रन की लीड भी होगी और ऑस्ट्रेलिया की एक दफा आप गेम निपटा चुके होगे और जिस तरह का बॉलिंग अटैक हुआ है ये एक दबदबा सेट हुआ है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ करेक्टर, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ग्रिट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रेजिलियंस टू डिलीवर इन दीज स्टेजेस। देखिए स्किल अपनी जगह होता है,
लेकिन ये जो मूवमेंट्स होते हैं ना, ये अच्छे अच्छे बॉलर की लाइन और लेंथ हिला देते हैं, पर बाजी पलट दें। और जिस तरीके से बाजी पलटी गई है, इससे बड़ा मूवमेंट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के ओपनिंग गेम में नहीं मिल सकता था टीम इंडिया को, जो कि ये मिल चुका है। क्वालिटी दिखाई है, चाहे बुमराह की बात करें, सिराज की बात करें, हर्षद राणा की बात करें। बुमराह को क्राउन इसलिए पहनाया जाएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेसर्स, इंडिया के पेसर्स की बात कर रहा हूं। 27 ओवर फेंके गए, 27 के 27 ओवर पेसर्स ने फेंके हैं। 10 ओवर जसप्रीत बुमराह, 9 ओवर मोहम्मद सिराज, 6 ओवर का सिंगल आउट स्पेल हर्षित राणा। आपको एक मोमेंट भी लगा कि इन तीनों में से एक बंदा हाप रहा है, थक रहा है, उसकी चाल स्लो हो रही है, उसके रनअप में जिटरीनेस आ रही है, उसका रनअप स्मूथ नहीं है, वो कहीं हाप रहा है, उसकी सांस फूल रही है। द एलिमेंट ऑफ द फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन मूवमेंट्स पे डिलीवर करने के लिए आपको सिर्फ मेंटली टफ नहीं होना पड़ता, आपको फिजिकली भी टफ होना पड़ता है। अगर आप फिजिकली टफ हैं, आप मेंटली टफ हैं, तभी वो आपके रिक्वायर्ड स्किल को और आपकी क्वालिटी को इनहेंस करता है, ताकि आप ओपोनेंट को महा चकमा दे सकें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा टेस्ट मैच के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की पहली पारी में 150 रन पर सिमटने के बाद सभी को यही लग रहा है कि मैच कुछ और ही दिशा में जा रहा है, लेकिन फिर बुमराह और सिराज ने शानदार वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को 67 रन के अंदर आउट कर दिया। अब मैच में 50-50 की स्थिति में पहुंच चुका है और अब कोई भी टीम जीत सकती है। दोस्तों, इस पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में देखने के बाद आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।